46 में पार्ट ए पार्ट बी आपको पूछा जा रहा है। तो पार्ट ए कह रहा है इन दिस क्रॉसवर्ड पजल, क्रॉसवर्ड पजल एक बच्चों दी हुई है, ठीक है। इसमें ना कुछ कलर भी किया हुआ है, अगर आप आपके पास एग्जाम्पलर बुक हो तो कलर भी किया हुआ है, ठीक है। बट कलर तो मैं यहाँ कर नहीं सकता हूँ, अब उस कलर का कुछ खास मतलब नहीं, वो भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। कह रहा है कि नेम ऑफ 11 एलिमेंट्स आर हिडन, सिंबल ऑफ दीज आर गिवन बिलो, कंप्लीट द पजल, ठीक। तो सिंबल बच्चों दिए हुए हैं और हमें पजल कंप्लीट करनी है। तो देखिए नंबर वन पड़ा हुआ है सीएल, सीएल किसका सिंबल होता है, क्लोरीन का, क्लोरीन के एटम का सिंबल है। तो वन बच्चों सर्च करिए, देखो वन है, आप ऐसे तो चल नहीं सकते हो वन में, आपको ऊपर से नीचे ही चलना पड़ेगा, वहीं पे जगह है। तो ऊपर से नीचे हम लोग फिल करते हैं क्या, क्लोरीन, करेक्ट। तो चलिए सी एच एल, ये वन और टू ये सब नंबरिंग ब्लू मार्कर से पड़ी हुई है, तो नंबरिंग आप ऐसे ही पढ़े रहने दो उसको, बस आंसर लिखो सी एच एल ओ R I N E, तो ये हो गया क्लोरीन, सही है, ओके। उसके बाद देखिए बच्चों नंबर टू पे लिखा हुआ है आपके पास क्या, H, कैपिटल H, कैपिटल H किसका सिंबल होता है, हाइड्रोजन का, ठीक है। तो देखो बच्चों, देखिए टू नंबर में तो आप टॉप टू बॉटम तो चल नहीं सकते हो, तो आपको लेफ्ट टू राइट जाना पड़ेगा, सही है ना। और H तो आपको मिल ही गया है, तो एच वाई हाई डी आर ओ जी ई एन, हाइड्रोजन, सही है। नंबर थ्री देखिए बच्चों, ए आर, ए आर होता है आपका ऑर्गन। और मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं तो यही बताना चाहता हूं आपको इस क्वेश्चन में कि बच्चों अगर आप पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 18 देखें, जिन बच्चों को नहीं पता है वो देख लें, आपकी जो पीरियोडिक टेबल होती है, ठीक है, आप गूगल भी कर सकते हो, जिन बच्चों के पास नहीं गूगल करिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लिखिए गूगल पे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और इमेजेस पे क्लिक करिए, तो आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिखेगी, या मार्केट से खरीद लीजिए 5-10 रुपए की मिलेगी, ठीक है। तो बच्चों ग्रुप नंबर 18 जो होता है वहां पर आपको हमने याद कराया है, ग्रुप नंबर 18 याद कराने का तरीका हीना नीना और करीना का जीरोक्स रंगीन, याद करिए हीना नीना और करीना, ठीक है, का के ए लिख के हम लोग काट देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता, वो याद करने का स्टाइल है। हीना नीना और करीना का को लिख के अलग से काट दिया हमने, कट कर दिया उसको, हीना नीना और करीना का, हीना नीना और करीना का जेरोक्स एक्स ई, जेरोक्स रंगीन आर एन, ठीक। हीलियम हीना नीना और करीना का को लिख के अलग से काट देना है, जेरोक्स रंगीन, ठीक है। तो एच ई मतलब हीलियम, एनी मतलब नियॉन, ए आर मतलब ऑर्गन, के आर मतलब क्रिप्टॉन, और एक्सी मतलब जेनॉन, ठीक है। आर एन मतलब रेडॉन, करेक्ट। आर एन मतलब क्या हो जाएगा बच्चों आप लोग के पास, रेडॉन, ओके। देख लीजिएगा बच्चों, यहाँ चेक कर लीजिएगा, कॉलम तो नहीं छूटा हुआ है, पता है ना, वैसे तो सही बनाया पजल, पहले तो उसको बनाना ही बड़ी बात है। अब सुनो, ये जो ग्रुप नंबर 18 है, ठीक, ये नोबल गैस का ग्रुप है, कौन सा, नोबल गैस का, ठीक। पहले इसको नोबल गैस बोला जाता था, अब इसको इनर्ट गैस भी बोला जाता है, तो आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस। कौन सा ग्रुप है ये, ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट हीलियम नियॉन ऑर्गन क्रिप्टॉन ज़ेनॉन रेडॉन, ये सब क्या है आपके, ये है आपके इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस मतलब इनका या तो ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है या तो ऑक्टेट, और ये रिएक्ट नहीं करते हैं, पता है ये बात आपको सभी बच्चों को, हाँ ये रिएक्ट, हाँ नॉन रिएक्टिव होते हैं, यहाँ लिख देता हूँ नॉन रिएक्टिव। क्यों नॉन रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि हीलियम का तो ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है, बाकी सबका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में करें अगर हम, तो इनका ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट है, यानी कि स्टेबल स्पीशीज है, तो ये रिएक्ट नहीं करेंगे, मतलब ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे, ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेंगे, और ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन किसी के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, क्योंकि ये खुद ही स्टेबल है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो बच्चों याद रखिएगा, ये एलिमेंट्स हैं आपके कौन से, इनर्ट गैसेस या नॉबल गैसेस, ठीक है। इनर्ट मतलब अक्रिय, जो रिएक्ट ना करे उसको क्या बोलते हैं, इनर्ट, ठीक। चलो हाँ, तो बच्चों आ जाइए जरा, थ्री में हो गया आपका। तो एक बात मैं आपको बताता भी चल रहा हूँ, देखिए यहाँ पे आपको नोबल गैस मिल गया कि नहीं, ऑर्गन, ऑर्गन क्या है, नोबल या फिर इनर्ट, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको, तो इनर्ट गैस, तो ये हो गया आईजी, लिख दूँ, समझ जाओगे। एक आपको इनर्ट गैस कौन सा मिला, ऑर्गन, देखो ग्रुप नंबर 18 में, ठीक है। उसके बाद ओ, नंबर फोर्थ में ओ, ओ किसका सिंबल है बताइए, ऑक्सीजन का, जाके यहाँ पे फिल करिए, चेक करिए, तो फोर में अब देखिए ऑक्सीजन का ई तो मिल रहा है, और फोर में आप टॉप टू बॉटम तो चल नहीं पाओगे, तो लेफ्ट टू राइट जाना पड़ेगा, तो ओ एक्स वाई ऑक्सी जी ई एन जेन, ऑक्सीजन, ओके। फिर देखिए बच्चों, फाइव नंबर पे आपका ज़ेनॉन आ रहा है, सही है, तो ये भी हो गया आपका आईजी, आईजी मतलब इनर्ट गैस, ग्रुप नंबर 18 में आएगा, ठीक है। तो देखिए फाइव नंबर में ज़ेनॉन लिखना है, ठीक है, चेक करिए फाइव नंबर कहाँ है बच्चों, फाइव नंबर में अब आप लेफ्ट टू राइट तो चल नहीं पाओगे, क्योंकि पहले ही फिल हो चुका है, तो टॉप टू बॉटम आपको आना पड़ेगा, तो ज़ेनॉन की स्पेलिंग क्या होगी, एक्स ई एन ओ एन ज़ेनॉन, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स ई एन ओ एन ज़ेनॉन, ठीक है। उसके बाद आ जाइए बच्चों सिक्स नंबर पे,
कैपिटल एन किसका सिंबल है? नाइट्रोजन का, सही है। तो सिक्स पे आइए बच्चों, देखिए ये सिक्स में अब आप टॉप टू बॉटम चल नहीं पाओगे तो लेफ्ट राइट जाना पड़ेगा। तो एन आई टी आर ओ जी ई एन नाइट्रोजन, करेक्ट, एन आई टी आर ओ जी ई एन नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद आ जाइए ये सेवन नंबर पे, ठीक बच्चों, एच ई कैपिटल एच स्मॉल ई, ये किसका सिंबल होता है? हीलियम का। हीलियम का बच्चों ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है, मतलब इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? टू। इसका भाई हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? टू होता है ना। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? टू इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ओके, तो चेक करो इसका के शेल कंप्लीट है, यानी कि इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है। हीलियम ही तो एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है, ठीक है। और ये इनर्ट गैसेस वाले ग्रुप में है, ग्रुप नंबर 18 में टॉप पे, याद रखिएगा। हीलियम कहाँ आता है? ग्रुप नंबर 18 में टॉप पे, चेक करो, ठीक। तो सेवन नंबर पे आ जाइए बच्चों, ये सेवन नंबर है। अब आप लेफ्ट टू राइट तो जा नहीं पाओगे तो टॉप टू बॉटम आपको आना पड़ेगा। हीलियम स्पेलिंग क्या होगी? एच ई एल आई यू एम, हीलियम, ठीक है। तो सेवन नंबर पे हो गया हीलियम। और खास बात ये है कि ये हीलियम भी कहाँ है? आपका इनर्ट गैस, यानी ग्रुप नंबर 18 में, ठीक है। तो आई जी इनर्ट गैस शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक। उसके बाद बच्चों एट नंबर पे आपका, देखिए यहाँ टॉप टू बॉटम जाना है। कैपिटल एफ किसका सिंबल है? फ्लोरीन का, फ्लोरीन जिसको आप बोलते हो। तो स्पेलिंग कैसे होगी इसकी? एट नंबर पे हम लेफ्ट राइट तो जा नहीं पाएंगे, जगह कैसी है? टॉप टू बॉटम। तो एफ एल एफ एल यू ओ आर आई एन ई, ये आई बनाया हुआ मैंने, ठीक है। फ्लोरीन, करेक्ट, या फ्लोरीन आप इसको बोल सकते हो। नाइन नंबर पे बच्चों के आर, के आर किसका सिंबल है? क्रिप्टॉन का, चेक करो। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ओके। तो क्रिप्टॉन, तो नाइन नंबर पे बच्चों क्रिप्टॉन, यहाँ पे आ जाइए, नाइन से स्टार्ट करेंगे। क्रिप्टॉन के आर वाई पी टी, ओके। देखिए यहाँ पे गलती हो गई कुछ, टी ओ एन होता है ना क्रिप्टॉन, ठीक है। तो फ्लोरीन की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? एफ एल ओ यू आर आई एन ई, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार रीचेक कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो एफ एल ओ, देखिए अब यहाँ पे बच्चों कुछ गलती हो रही है, यहाँ पर एफ एल कितने हैं? यहाँ पर 1 2 3 होना चाहिए था ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा एक मेरे से बन गया है, ओके स्टूडेंट्स, मतलब कम बन गया है, ये तभी गड़बड़ हो रहा है। आप चेक करो यहाँ पे एक्चुअल में बच्चों, ये वाला जो रो है ना, इसके ऊपर आपके कितने हैं बॉक्स दे रखे हैं? इन्होंने तीन बॉक्स दे रखे हैं, ठीक है, 1 2 और एक और है, ठीक है। ये ऐसा है, बात समझो, अभी फिर से हम आपको करके दिखा देते हैं, ठीक है, वरना ये कंफ्यूज आपको करेगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से है, और यहाँ पे आपका सेकंड लास्ट, नहीं लास्ट में, ओके, और लास्ट में आपके पास कितने बॉक्स हैं? 4। ये कुछ इस तरीके का है, करेक्ट। और 11 नंबर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 11 नंबर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 10। अब ये सही आएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 1 2 3 ये ऊपर है और 1 2 3 4 नीचे, 1 2 3 4 नीचे, बिल्कुल सही है। अब देखिए एक बार फिर से करिए, और यहाँ पर बच्चों लिखा हुआ है 8। अब इसको 8 नंबर से फिर से करिए, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया था मेरा बनाने में। तो 8 नंबर पे क्या बताइए? फ्लोरीन, ठीक है। तो फ्लोरीन की स्पेलिंग हमने पहले सही लिखी थी, एफ एल यू ओ आर आई एन ई, अब जाके सही हुआ है, ठीक। फिर 9 नंबर पे क्या है? क्रिप्टॉन। तो 9 पे लेफ्ट टू राइट चलोगे तो के आर वाई पी टी ओ एन, अब सही आ गया क्रिप्टॉन, ओके। ये यू लिखा हुआ है, फ्लोरीन की स्पेलिंग देख लिया, फ्लोरीन की एफ एल यू ओ आर आई एन ई फ्लोरीन, और के आर वाई पी टी ओ एन क्रिप्टॉन। अच्छा सॉरी, क्रिप्टॉन का ग्रुप नंबर कौन सा है? 18 है, तो आपका ये इनर्ट गैस आ गया, सही है। उसके बाद बच्चों रेडॉन, ठीक है। तो रेडॉन की स्पेलिंग क्या होगी? आर ई डी ओ एन, रेडॉन। कितने नंबर पे? 10 नंबर पे। तो चेक करिए बच्चों, 10 नंबर पे आर तो आपको मिल गया, लेफ्ट टू राइट चलोगे तो आर ई, आर ई डी ओ एन, ठीक है। आर ई है या आर ए है? आर ए होना चाहिए आई थिंक, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आर ए डी, रेडॉन होता है, ओके, आर ए डी ओ एन रेडॉन, करेक्ट। तो ये हो जाएगा आपका क्या? नोबल गैस, चेक करो, ग्रुप नंबर 18 में आता है। तो ये भी हो जाएगा आपका नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस, ठीक है। उसके बाद नियॉन, ठीक है। तो 11 नंबर पे आ जाइए बच्चों, 11 नंबर कहाँ दिख रहा है आप लोगों को? 11 नंबर कहाँ दिख रहा है, चेक करो, हाँ ये। तो 11 नंबर पे क्या है? कैपिटल एन स्मॉल ई, क्या होता है? नियॉन। और ओनली कैपिटल एन होगा तो क्या होगा? नाइट्रोजन। तो एन ई ओ एन, नियॉन, सारे कवर हो गए, चेक करो, एक छोटा हुआ है, नंबर 3।
तो नंबर थ्री पे ऑर्गन ए आर जी ओ एन, नंबर थ्री पे लेफ्ट टू राइट, तो ए आर जी ओ एन ऑर्गन, ठीक है। अच्छा, खास बात यह है कि नंबर थ्री पे भी ये क्या है, इनर्ट गैस है, और नियॉन भी क्या है, इनर्ट गैस है, करेक्ट। तो देखिए पार्ट ए में हमें इस पजल को फिल करना था, तो हमने इसको फिल कर दिया, और पार्ट बी में कह रहा है आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ इनर्ट गैसेस, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इनर्ट गैसेस पहले बता देते हैं कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो टोटल कितनी इनर्ट गैसेस है, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और वही आपको ये याद भी कराना चाहते थे कि टोटल इनर्ट गैसेस कितनी है, 6 है, और उनके नेम बताइए, तो आपको तो याद ही है, हीना, नीना और करीना, का को लिख के काट देंगे, ज़ेरॉक्स रंगीन, ठीक है। हीना मतलब हीलियम, नीना मतलब नियॉन, और मतलब ए आर मतलब ऑर्गन, हीना नीना और करीना, करीना मीन्स के आर क्रिप्टॉन, का को लिख के काट देना है क्योंकि पढ़ने में अच्छा लगता है, हीना नीना और करीना का, ज़ेरॉक्स रंगीन, का को लिख के काट देना है, ज़ेरॉक्स मतलब एक्स ई, ज़ेनॉन रंगीन मीन्स आरएन, रंगीन का आरएन ले लो, दैट इज व्हाट, रेडॉन, आर ए डी ओ एन, रेडॉन। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन के थ्रू इनर्ट गैसेस के बारे में बताना चाहती थी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और उनके नाम याद दिलाना आपको चाहती थी, और उनका ग्रुप नंबर भी हमने आपको बता दिया, ये ग्रुप नंबर 18 में आते हैं। बताइए कोई डाउट है, हाँ सही है। तो सबसे पहले तो इन्होंने टोटल नंबर ऑफ इनर्ट गैसेस पूछा, तो हमने यहाँ आंसर में लिखा टोटल नंबर ऑफ इनर्ट गैसेस इज व्हाट, 6, देयर आर टोटल 6 इनर्ट गैसेस इन दिस पजल, ओके, एंड ऑब्वियसली 6 इनर्ट गैसेस ही होती हैं। उसके बाद देयर नेम्स सिंबल फ्रॉम दिस क्रॉसवर्ड पजल, ठीक है। तो इस क्रॉसवर्ड पजल से उनके हमको क्या लिखने हैं, सिंबल लिखने हैं और नेम लिखने हैं। तो बच्चों एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने ग्रुप में पढ़ा ना ग्रुप नंबर 18 में, तो वैसे ही इसका नाम लिख देते हैं टॉप टू बॉटम के हिसाब से, तो थोड़ा सा अरेंजमेंट भी बढ़िया हो जाएगा, देखने में भी सही लगेगा, है ना। तो टोटल हो गए 6 इनर्ट गैसेस, 6 टोटल, टोटल क्या हो गई आपकी 6 इनर्ट गैसेस, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इनर्ट गैसेस पूछा था, तो हो गई 6। अब आगे आंसर लिखते हैं, देयर नेम सिंबल, तो नेम एंड सिंबल। तो बच्चों सबसे पहले क्या आएगा आपका, हीलियम, और सिंबल क्या हो जाएगा, एच ई। उसके बाद चेक करिए क्या है, सुनो पार्ट बी का आंसर यहीं कर देंगे सामने, है ना। पार्ट बी का जो सेकंड पार्ट है, देयर सिंबल्स एंड नेम, वहां पे जगह नहीं है, ठीक है। तो हीलियम लिखेंगे पहले, ये रहा इसका सिंबल, और नेम क्या हो जाएगा इसका, एच आई एल यू एम, हीलियम, ठीक। फिर ये क्या हो जाएगा, एन ई ओ एन, नियॉन, और ए आर जी ओ एन, ऑर्गन, ये नेम है, और ए आर क्या है, इसका सिंबल है। फिर क्रिप्टॉन, के आर वाई पी टी ओ एन, के आर वाई पी टी ओ एन, ठीक है। फिर ज़ेनॉन, एक्स ई एन ओ एन, ठीक है, और रेडॉन, आर ए डी ओ एन, और सिंबल क्या हो जाएगा, आर एन, ओके, इजी है। और कुछ तो नहीं पूछा है, चेक कर लीजिए, कर लीजिए।